guys, welcome back to our YouTube channel which is Shayed Hasmi Official. तो guys, please do subscribe my YouTube channel, okay? तो आज मैंने कल मैं गया था कहीं पर तो मैंने एक चीज़ ऑर्डर किया है मतलब खाने का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था वहाँ का खाना तो मैं उससे फिर ऑर्डर किया हूँ. तो अभी नीचे आ गया है जोमेटो वाला, तो अभी जाते हैं लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं. तो चलिए मेरे साथ, पहले मास्क भी पहनना होगा. यहाँ खड़े हैं, ये आ गया है. तो मैं जब अपने फ्रेंड लोग के साथ कल गया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उन लोगों का चिकन से रिलेटेड जो भी था ऑसम. मैं क्या बताऊँ ना, मैं कोलकाता वाला हूँ तो मेरे को बैंगलोर में एकदम नहीं पसंद आता. यहाँ का जो लोग चिकन का कुछ भी बनाते हैं, शायद चिली चिकन से लेके जो भी हो या फिर कुछ भी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता. लेकिन कल मैं गया था माँ द ढाबा, हाँ तो वहाँ है, जगह का नाम है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है. और तो ये मैं क्या बोलूँ ना, बहुत ही अच्छा कि ना, मैं तो मेरे को लगा नहीं यार मंगाना चाहिए उधर से, और तब मैंने ये ऑर्डर किया है. तो अब इसे खाएंगे, तो अभी चलते मम्मी को देते हैं. हम लोगों ने प्लान किया है कि आज हम लोग घर में नहीं खाएंगे, तो हम लोग अभी छत पर जाएंगे. तो अभी सब जा चुका है, मैं यहाँ पर अभी ताला लगा दिया हूँ घर पर, तो अभी छत पर जाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा ना नीचे आने में. तो अभी हम लोग छत पर चलते हैं और फिर उसके बाद जाके यहाँ रोशनी ठीक है, उसके बाद जाके खाएंगे और दिखाएंगे आपको. छत पर आके खाने का ना बहुत दिन से मेरा दिल था, फाइनली वो तमन्ना पूरा हो चुका है. तो अब हम लोग छत पर आए हैं खाने के लिए. तो ये जो मम्मी खोल रही है, तो ये कढ़ाई चिकन है और ये बटर चिकन है, ठीक है. ये वहाँ का मोस्ट नान मंगाया है और ये कुलचा है, हाँ चला गया, ये कुलचा है. तो फिर इसके बाद खाते हैं. मैं ऐसा लगा आपको माँ दा ढाबा का खाना खा के, बहुत अच्छा टेस्टी था है ना. ऐसा बैंगलोर में कहीं नहीं खाई होंगी ना, एकदम कैसा कैसा बनाता है. हाँ, बैंगलोर का चिकन का ना का मैं क्या बताऊँ, लोग जो यहाँ के रेस्टोरेंट हैं इन लोगों को अच्छा लगता है. खैर कोई बात नहीं, मैं किसी में कमेंट नहीं करता. बट 3 hours later और हम लोग शाम को देखा थ्रो ना है, अगर बारिश होता हम लोग कैब लेके डायरेक्ट घर चले. हाँ हम लोग घर ही जाएंगे, वेदर देखो यार लगता है बारिश होने वाला है. पापा यहाँ पर आके ये कर देखते हैं, ट्रेडमिल में चलते थे, ट्रेडमिल में चढ़ते थे पापा यहाँ पर. आपको चढ़ना है समझे इधर. तो ये सब सारा ट्रेडमिल है. तो यहाँ पर क्या होता है ना, शाम को अक्सर लोग आते हैं यहाँ पर आके एक्सरसाइज करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो ये और यहाँ पर जिसको परचेज करना है वो लोग ले सकते हैं. तो ऐसा है यार, ये काफ़ी सुंदर जगह यार. मेरा इंटर्नशिप होने वाला है ना, तो इसके लिए मेरे को सेमिनार के लिए फॉर्मल शर्ट चाहिए था, तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर मेरे को मेरा पसंद का कोई कलर नहीं मिल रहा है, क्या करें यार, कहीं दूसरा से लेना पड़ेगा. कितना बड़ा फैन समझे. मैंने साइकिल का मेरे को ना बहुत शौक था, यहाँ पर कितना टाइप का साइकिल है.
दिन का जिम हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है कि अब लगा कि हम लोग को जिम खरीद लेना चाहिए, जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। या नहीं तो कुछ ट्रेडमिल ले लेते हैं, ट्रेडमिल, हाँ इसको ट्रेडमिल लेना है, जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए अब हम लोगों को लग रहा है। तो मज़ा आया, लेकिन तो इट्स सेल्फी टाइम चला है कि 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाता है, तो इसलिए अभी बंद हो चुका है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ बस से, अभी ओला भी बुक किया है, आएगा तो घर जाएंगे हम लोग। तो यार बहुत अच्छा जगह है ये। लेट है आओ, सो लेट नाइट में मैं आया हूँ क्योंकि मेरे को सीढ़ी चाहिए था। और यहाँ देखो इतने सारे रक्षाबंधन, क्योंकि राखी आने वाला है। सो एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर मम्मी अपना लगी हुई है सामान लेने में। तो अब हम लोग क्या सोचा ना कि यहाँ पर से हम लोग कुछ जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुका है, 10 के करीब बज चुका है। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे अब डोसा खाने के लिए। अपने एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर। और डोसा यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। सो गाइस, इफ़ यू वॉच माई वीडियो टिल हेयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज सईद हाशमी ऑफिशियल। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर आऊँगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़ गाइज़।